शिनिची कहीं जा रहा होता है और तभी मिगी बोलता है कि मेरे पास एक बैड न्यूज है। शिनिची के न्यूज पूछने पर मिगी शिनिची को भागने के लिए बोलता है। शिनिची पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि ये गोटो हमारे पीछे है? मिगी बोलता है, जो सिग्नल मुझे आ रहे हैं वो काफी इंटेंस है और सिग्नल की स्पीड से लग रहा है जैसे वो कार में है। इसके बाद मिगी शिनिची को राइट टर्न लेने के लिए बोलता है। शिनिची मिगी से पूछता है, तुमने कार चलाना कब सीखा? मिगी बोलता है, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ह्यूमन लैंग्वेज एक दिन में सीख ली थी, तो ये तो बस एक कार है। शिनिची बोलता है कि मुझे एक फेवर चाहिए, तुम किसी कम पॉपुलेशन वाली जगह पर चलो, क्योंकि अगर हम उस सिटी में फाइट करेंगे तो काफी लोग मर सकते हैं। मिगी शिनिची की बात मान जाता है और बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जो हमारे काम आ सकता है। मिगी बोलता है, ये आइडिया काम नहीं आएगा। वो अभी भी जिंदा है और काफी गुस्से में है। हमें यहाँ से निकलना होगा। शिनिची जंगल में भाग रहा होता है और मिगी शिनिची को रुकने के लिए कहता है। शिनिची बोलता है, इस टाइम हमें रुकना नहीं चाहिए, हमारे पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। मिगी बोलता है, जब तक वो यहाँ आएगा हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। शिनिची कहता है, वो हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काटने वाला है और तुम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हो। मिगी बोलता है, मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो, हर कोई मरने से डरता है, मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मिगी आगे बोलता है, तुम्हारे पास ऐसी पावर्स हैं जो दूसरे ह्यूमंस के पास नहीं है और तुम अपने आप को हर सिचुएशन में काम डाउन कर सकते हो। अब अपने हार्ट पर हाथ रखो और एक डीप ब्रेथ लो। शिनिची वैसा ही करता है। मिगी बोलता है, गोटो हर तरह से हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नॉर्मल तरीके से हम उससे किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते, इसीलिए हमें स्ट्रेटेजी बनानी ही होगी। मिगी बोलता है, अगर हम एक साथ रहकर नहीं जीत सकते तो हमें अलग अलग होकर काम करना चाहिए। शिनिची ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। मिगी बोलता है, मैंने उस कार से लाइटर निकाल कर तुम्हारी लेफ्ट पॉकेट में रख दिया था। Well now, they've used the branches to spread out in all four directions. गोटो वहां पहुंच जाता है और बोलता है, तुमने पेड़ की ब्रांचेस का यूज करके हर डायरेक्शन में अपने आप को स्प्रेड कर लिया है। मिगी मन में सोच रहा होता है, हम ह्यूमन बॉडी के बिना जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। मिगी सोच रहा होता है, मेरी बॉडी के जो सेल्स शिनिची के अंदर आ गए थे वो अब बिल्कुल बदल चुके हैं और गोटो उन्हें सेंस नहीं कर सकता, इसलिए गोटो सीधा मेरी तरफ आएगा और शिनिची को नोटिस नहीं करेगा। और अगर ये फाइट ज्यादा देर तक रही तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। ये काफी रिस्की स्ट्रेटजी है, लेकिन इसी वजह से गोटो कभी भी नहीं सोच सकता कि हम इस तरह की स्ट्रेटजी बनाएंगे। गोटो मिगी को सेंस करके एक ट्री के ऊपर आ जाता है और मिगी को ढूंढने के लिए ट्रीज की ब्रांचेस को काटने लगता है। गोटो बोलता है, क्या हुआ, तुम आगे से अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? गोटो मन में सोच रहा होता है, वो ह्यूमन कहाँ है, क्योंकि अगर मैंने उसे मार दिया तो ये पैरासाइट अपने आप ही मर जाएगा। मिगी मन में सोच रहा होता है, गोटो की बॉडी पैरासिटिक सेल से प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो उसकी पूरी बॉडी को कवर नहीं करते होंगे। मेरे पास उसकी बॉडी में गैप ढूंढने का टाइम नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी का लीस्ट प्रोटेक्टेड एरिया जहां मैं अटैक कर सकता हूं वो उसका हेड है। पूरी बॉडी में पैरासाइट्स को कंट्रोल करने के लिए गोटो की काफी एनर्जी यूज हो रही होगी, और इसीलिए अगर मैं किसी तरह हेड को डिस्ट्रॉय कर दूं तो पूरी बॉडी कंट्रोल खो देगी और हमारे लिए बॉडी को डिस्ट्रॉय करना आसान होगा। मिगी सोच रहा होता है कि गोटो की स्पीड और पावर मेरे से ज्यादा है, इसलिए मेरे पास एक ही चांस है। तभी मिगी को फील होता है जैसे शिनिची से अलग रहकर उसकी कॉन्शियसनेस फेड होनी शुरू हो गई है
और उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। गोटो को गुस्सा आने लगता है और वो बोलता है, जल्दी से बाहर निकलो। इस तरह हर डायरेक्शन में स्प्रेड होने से बस तुम कुछ देर के लिए बच सकते हो। अपने ब्रेन का यूज फाइट करने के लिए करो, ना कि छुपने के लिए। You should be using your brains to fight, not run and hide. Go now. Do it. मिगी शिनिची की आवाज निकालता है और जैसे ही गोटो उसकी तरफ मुड़ता है, शिनिची एक फायर्ड स्पीयर से गोटो के लेग पर अटैक करता है। मिगी मन में सोच रहा होता है, फायर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आने पर उसके सेल्स ब्रेक हो जाएंगे और उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। जैसे ही गोटो का ध्यान अपने लेग की तरफ जाता है, मिगी गोटो के लेग पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक इतना पावरफुल नहीं होता कि उसका हेड बॉडी से अलग हो जाए। मिगी ये देखकर काफी घबरा जाता है और दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गोटो उसके अटैक को रोक देता है। शिनिची मिगी के पास आने लगता है और मिगी बोलता है, हम फेल हो गए हैं और तुम यहाँ से भाग जाओ। गोटो बोलता है, ये काफी सरप्राइजिंग अटैक था। मिगी कहता है, हम दोनों को मरने की जरूरत नहीं है, और मिगी शिनिची को वहां से भागने के लिए बोलता है। गोटो शिनिची के फोरहेड पर अटैक करता है और मिगी गोटो के लेग को काट देता है। मिगी दोबारा शिनिची को भागने के लिए कहता है और शिनिची बिल्कुल वैसा ही करता है। Goodbye, शिनिची। मिगी मन में सोच रहा होता है, ये शिनिची और मेरी लास्ट मुलाकात थी और मैं खुश हूँ कि मैं शिनिची के हेड को टेक ओवर करने में अनसक्सेसफुल था, क्योंकि इसी वजह से हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बनकर काफी मेमोरीज बना पाए थे। गोटो का हेड दोबारा जुड़ने लगता है और मिगी धीरे धीरे फेड होने लगता है। मिगी सोच रहा होता है, मुझे बहुत स्लीपी और अलोन फील हो रहा है और शायद इसे ही डेथ बोलते हैं। शिनिची भागते भागते एक रिवर में गिर जाता है। शिनिची अपने हेड को फील करने की कोशिश करता है, लेकिन मिगी के साथ ना होने की वजह से वो रोने लगता है। शिनिची एक घर के पास जा रहा होता है और उसकी आवाज सुन के एक ओल्ड लेडी अपने घर का दरवाजा खोलती है। मिगी बोलता है, मैंने आपके घर से पानी पीने की कोशिश की थी, जिसके रिप्लाई में वो लेडी बोलती है, पानी फ्री नहीं है। शिनिची वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी उसे बोलती है, तुम्हें चोट लगी हुई है। वो लेडी शिनिची को घर बुलाती है, लेकिन शिनिची के अंदर ना जाने पर वो बोलती है, तुम मुझे चोर नहीं लगते, ऊपर से तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम रो रहे थे। वो लेडी बोलती है, मैं पर्सन को देखकर उसके बारे में काफी कुछ बता सकती हूँ, और तुम्हारी इंजरी को देखकर लगता है जैसे तुम्हें किसी ने बुली किया है। वो बोलती है, तुम्हारा कट काफी डीप है। शिनिची उस लेडी के घर में खाना खाने लगता है, लेकिन एक हाथ होने की वजह से उसे काफी प्रॉब्लम होती है। शिनिची वहां से जाने लगता है, लेकिन वो लेडी शिनिची को वहां रुकने के लिए कहती है। शिनिची पूछता है, क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? जिसके रिप्लाई में वो बोलती है, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स अब नहीं रहे। अब सुबह हो जाती है और वो लेडी बोलती है, हम सबको यही बोलेंगे कि तुम मेरे नेफी हो। शिनिची के इसका रीजन पूछने पर वो बताती है, कुछ टाइम से यहाँ काफी स्ट्रेंज चीजें हो रही हैं, इसीलिए लोग स्ट्रेंजर्स का आना पसंद नहीं करते। वो लेडी बताती है, कुछ टाइम से यहाँ ट्रक आने लगे हैं जो यहाँ सिटी का सारा कूड़ा डंप करते हैं। एक बार तो इस कूड़े में आग लगाने की वजह से पूरा पहाड़ जल गया था। वो बताती है, हम लोग वहाँ वॉच भी करते रहते हैं, लेकिन वो फिर भी किसी तरीके से यहाँ कूड़ा डाल ही देते हैं। शिनिची मन में सोच रहा होता है, ये लेडी थोड़ी पागल है, लेकिन काफी काइंड हार्टेड है। मैं यहाँ से जाने का जैसे ही सोचता हूँ, ये मुझे कॉन्वर्जेशन में फंसा लेती है। अब जब मिगी चला गया है, मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। अब काफी दिन हो गए हैं और अब मुझे घर जाकर डैड को सब कुछ सच बता देना चाहिए कि कैसे मैंने अपना हैंड लूज किया और कैसे मेरा एक मिगी नाम का दोस्त हुआ करता था, कैसे हम मिले, हमने क्या क्या किया और मिगी कितना अच्छा था, किस तरह मिगी मेरे लिए लड़ा, मुझे बचाया, वो कितना इंटेलिजेंट, कितना करेजियस था, क्योंकि वो एक ट्रू हीरो था। Because Migi is a true hero. शिनिची ड्रीम देख रहा होता है और मिगी शिनिची से पूछता है, क्या हुआ,
क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो? शिनिची बोलता है, मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा हूँ। मिगी पूछता है, तुम्हारा फ्रेंड कैसा दिखता है? जिसके रिप्लाई में शिनिची बोलता है, मुझे याद नहीं। मिगी बोलता है, फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, और ये बोलकर वो जाने लगता है। शिनिची तभी कहता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हारी तरह दिखता है। शिनिची बोलता है, अब मुझे याद आया कि मेरा दोस्त मर चुका है। मिगी बोलता है, मुझे लगता है तुम्हारा दोस्त जिंदा है और मैं उसका नाम भी जानता हूँ। मिगी, तभी शिनिची की आंख खुल जाती है और वो अपने हैंड पर एक आय को नोटिस करता है, जो कि मिगी के उन फ्रेगमेंट्स की वजह से होती है जो शिनिची की बॉडी में डिसॉल्व हो गए होते हैं। शिनिची बोलता है, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? वो लेडी शिनिची को धीरे बोलने के लिए कहती है। शिनिची रियलाइज करता है कि मिगी के फ्रेगमेंट्स इतने छोटे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते। अब एक पर्सन को दिखाया जाता है जो काफी इंजर्ड होता है और भाग रहा होता है। शिनिची उस लेडी के घर से जाने के लिए तैयार हो जाता है और तभी उस लेडी के घर के बाहर कुछ लोग जमा हो जाते हैं। वो लोग शिनिची के वहां आने से गुस्सा होते हैं और बिलीव नहीं करते कि शिनिची उसका नेफ्यू है। वो लेडी बोलती है, ये वैसे भी यहाँ से जाने वाला है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। एक पर्सन बोलता है, यहाँ कुछ टाइम से अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, जैसे एक इलीगल ट्रैश डंपिंग, उन दो कार्स का टकराना जिनमें ड्राइवर्स नहीं थे, और अब ये नया मर्डर वाला इंसिडेंट। वो लेडी और शिनिची मर्डर वाली बात सुनकर काफी शॉक हो जाते हैं। तभी उस पर्सन को दिखाया जाता है जो जंगल में भाग रहा होता है। वो पर्सन उसे बोलता है, तुमने कहा था कि वो किलर कोई बाहर का बंदा है, क्या वो ये तो नहीं? वो पर्सन शिनिची की तरफ देखता है और बोलता है, जो चीज मैंने देखी थी वो कोई ह्यूमन नहीं थी। वो 3 मीटर लंबा था, उसके 4 हाथ थे और बहुत सारी आंखें थी। शिनिची समझ जाता है कि वो गोटो की बात कर रहा है। वो बोलता है, तुम लोग मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन ये ब्लड हमारे साथी का है जिसे एक मॉन्स्टर ने मारकर खा लिया है। उसकी बात सुनकर पुलिस ऑफिसर्स जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं और उन्हें उस पर्सन की बॉडी मिलती है। वो सब समझ जाते हैं कि एक पैरासाइट का काम है। वो लेडी शिनिची को इन्फॉर्म करती है कि कल कुछ हंटर्स आ रहे हैं जो इस मॉन्स्टर को मार देंगे। शिनिची बोलता है, हंटिंग राइफल्स उसे मारने के लिए काफी नहीं है। वो लेडी पूछती है, तुम उस मॉन्स्टर के बारे में जानते हो? शिनिची बोलता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ और वो मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है। शिनिची बोलता है, मेरी वजह से लोग मर रहे हैं और इसलिए मुझे कहीं रुकना नहीं चाहिए। शिनिची कहता है, मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ और मेरी वजह से काफी दोस्त मारे गए हैं, लेकिन मैं हमेशा के लिए इससे दूर नहीं भाग सकता। वो लेडी बोलती है, अगर तुम्हारे भागने रहने से तुम्हारी लाइफ बची रहती है तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। शिनिची कहता है, नहीं, मुझे उसे फेस करना होगा इससे पहले कि और लोग मारे जाएं। वो लेडी ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और बोलती है, सब फालतू की बातें हैं, तुम इस बारे में क्या कर सकते हो? वो कहती है, मैं सब कुछ डिटेल में नहीं जानती, लेकिन तुम्हें ये मैटर बड़े लोगों को हैंडल करने देना चाहिए। रात हो जाती है और शिनिची वहां से जाने लगता है। वो लेडी कहती है, क्या तुम्हारा कोई स्पेशल नहीं है जिसके बारे में तुम केयर करते हो और जिसे तुम पीछे नहीं छोड़ सकते, भले ही वो कोई स्ट्रेंजर क्यों ना हो, क्योंकि यही चीज हमें ह्यूमन बनाती है। वो बोलती है, मुझे तुम्हारे प्लान्स के बारे में नहीं पता, लेकिन तुम्हें एक बार आराम से इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए और अपनी लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। शिनिची जाने लगता है और वो लेडी पूछती है, क्या मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ दे सकती हूँ जो तुम्हें लड़ने में काम आए, जैसे कि कोई वेपन वगैरह? शिनिची इधर उधर देखता है और एक बुचर नाइफ उठा लेता है और वहां से चला जाता है। If Goto has changed his appearance, then there'll be no way to recognize him. But I guess I'll just have to deal with it whenever that time comes.